दोस्तों आज बात करेंगे 90 के दशक की उस अभिनेत्री की जो अपने अभिनय के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी काफी फेमस थी। ये अभिनेत्री उस समय की फेमस और टॉप अभिनेत्रियों में से एक थी। इस अभिनेत्री ने अपने दौर के लगभग सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया था। दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री का अजय देवगन और अक्षय कुमार के साथ भी रिलेशनशिप रहा था। और एक अभिनेता के साथ तो इनकी सगाई भी हो चुकी थी, हालांकि दोनों का ये रिश्ता शादी के मुकाम तक पहुंचने से पहले ही टूट गया था। तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है? लेकिन सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और एक अभिनेता ने तो इन्हें पैदाइशी झूठी और पागल खाने जाने की सलाह भी दे डाली थी। आखिर इस अभिनेता ने ऐसा क्यों कहा था, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, अंटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री रवीना टंडन की लाइफ के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रवीना टंडन की लव लाइफ के बारे में। रवीना टंडन ने सबसे पहले 1990 के दशक में एक्टर अजय देवगन को डेट किया था। रवीना और अजय देवगन ने फिल्म दिलवाले में एक साथ काम किया। उसी समय से दोनों को लेकर खबरें आने लगी थीं कि वह एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन फिर कहा जाता है कि अजय देवगन करिश्मा कपूर के प्यार में पड़ गए थे और इसलिए उन्होंने रवीना को छोड़ दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच शब्दों की जंग भी चली। अपने तमाम इंटरव्यू में रवीना ने इस बात को माना था कि वह अजय देवगन के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं, हालांकि अजय देवगन हमेशा इस बात से इनकार करते रहे। इतना ही नहीं, रवीना ये भी कह चुकी हैं कि वह और अजय देवगन एक दूसरे को लव लेटर लिखा करते थे जो उनके पास अब भी है। इस पर अजय देवगन ने कहा था कि अगर उनके पास वो लेटर हैं तो वह उन्हें पब्लिश करवा दे। इतना ही नहीं, अजय ने रवीना को पैदाइशी झूठी भी बता दिया था। अपने एक इंटरव्यू में अजय देवगन ने कहा था कि रवीना उनकी बहन की दोस्त थी, वह कभी उनके करीब नहीं रहे। खबरें यह भी थी कि अजय के लिए रवीना ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। इस पर टिप्पणी करते हुए अजय ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया था। इस इंटरव्यू में अजय ने रवीना को दिमाग के डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी थी। अजय ने कहा था कि हर कोई जानता है कि वे जन्मजात छोटी हैं, इसलिए उसके मूर्खतापूर्ण बयान मुझे ज्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन इस बार तो वह कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई है। उसने शालीनता की सारी हदें पार कर दी है। अब समय आ गया है कि मैं उसे कुछ सलाह दूं। इस लड़की को तुरंत किसी मनोचिकित्सक के पास जाकर अपने सिर की जांच करानी चाहिए, वरना वह पागल खाने में पहुंच जाएगी। अजय देवगन के बाद रवीना टंडन को अक्षय कुमार से प्यार हुआ था। दोनों का रिश्ता जग जाहिर था। अक्षय कुमार और रवीना टंडन का रोमांस साल 1994 की फिल्म मोहरा के सेट पर शुरू हुआ था। दोनों फिल्मी पार्टियों और पब्लिक गैदरिंग में साथ नजर आने लगे थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन फिर दोनों के बीच चीजें खराब हो गई। रवीना ने एक बार एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्होंने एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए एक्टिंग छोड़ने का भी फैसला किया था। जिससे मेरी सगाई हुई थी, वह नहीं चाहता था कि मैं फिल्मों में एक्टिंग करूं। उसके लिए मैंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया। मैं उसे जानती थी। हमने तय किया था कि शूटिंग के आखिरी दिन हम शादी कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। रवीना ने सगाई के बारे में भी खुलासा किया था कि उनकी और अक्षय कुमार की सगाई का प्रोग्राम बहुत ही छोटा सा था। उनका और मेरा परिवार दिल्ली से आया था। उनके घर के एक बुजुर्ग ने मेरे सिर पर लाल दुपट्टा भी रखा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इनका रिश्ता आगे नहीं चल पाया। हुआ ये कि फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी के सेट पर अक्षय की नजदीकी अभिनेत्री रेखा के साथ पड़ गई थी, जिसके बाद रवीना ने इस रिश्ते को तोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि इन सब के बावजूद अक्षय कुमार कभी भी अपनी सगाई को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। रवीना ने एक इंटरव्यू में अपनी और अक्षय की सगाई पर अक्षय की चुप्पी को लेकर कहा था कि उस वक्त अक्षय कुमार एक उभरते हुए एक्टर थे जिनकी काफी महिलाएं फैन थी। वो इस बात को लेकर घबरा रहे थे कि कहीं रवीना के साथ सगाई वाली बात से वह अपनी महिला फैन को खो ना दे।
इसी वजह से अक्षय ने रवीना के साथ सगाई वाली बात एक्सेप्ट नहीं की थी। वहीं अक्षय से ब्रेकअप के बाद रवीना डिप्रेशन में भी चली गई थी। अक्षय कुमार से अलग होने के बाद रवीना टंडन की मुलाकात बिजनेसमैन अनिल थडानी से सन 2003 में स्टंप फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। अनिल पहले से ही तलाकशुदा थे। दोनों जल्दी एक दूसरे के करीब आ गए और साल 2003 में रवीना टंडन के जन्मदिन के मौके पर अनिल ने उनको शादी के लिए प्रपोज कर दिया और रवीना ने भी हाँ कह दी। दोनों ने 22 फरवरी 2004 को उदयपुर राजस्थान के जग मंदिर पैलेस में बड़े ही धूमधाम से शादी कर ली। इस तरह रवीना अनिल की दूसरी पत्नी बन गई। दोनों की एक बेटी राशा और बेटा रणबीर है। हालांकि शादी से पहले वो दो बेटियों छाया और पूजा को भी गोद ले चुकी थी। चलिए दोस्तों, बात करते रवीना टंडन के शुरुआती जीवन पर। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई में हुआ। रवीना के पिता का नाम रवि टंडन था, जो पेशे से एक निर्माता निर्देशक थे। उनकी मां का नाम वीना टंडन है। रवीना का नाम उन्हीं के माता पिता के नाम रवि और वीना को जोड़कर रवीना नाम रखा गया था। रवीना के एक भाई है जिनका नाम राजीव टंडन है, वह भी पेशे से एक अभिनेता है। रवीना ने अपने स्कूल की पढ़ाई जमनाबाई नर्सरी स्कूल मुंबई से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए मिठीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन रवीना को अपने कॉलेज के दूसरे साल में ही कॉलेज छोड़ना पड़ा था। दरअसल रवीना जब कॉलेज में थी तब उन्होंने एड गुरु प्रहलाद कक्कड़ के साथ कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स किए थे। जब वो प्रहलाद कक्कड़ के साथ काम कर रही थी और तब अगर कोई मॉडल सेट पर नहीं पहुंच पाती थी तो प्रहलाद कक्कड़ रवीना को मेकअप करके पोज देने के लिए कहते थे। तब वहां मौजूद सभी लोग उनकी सुंदरता की तारीफ करते हुए उन्हें फिल्मों में अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इन सब की बातों से प्रभावित होकर और प्रहलाद कक्कड़ के कहने पर ही रवीना ने अपनी पहली फिल्म पत्थर के फूल में अभिनय करने के लिए एग्री हुई थी। रवीना ने इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म में मिली लोकप्रियता के कारण उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, क्योंकि कॉलेज के अधिकारियों के लिए उनके प्रशंसकों की भीड़ को नियंत्रित करने में मुश्किलें आ रही थी, जिसके चलते उन्हें कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा। वैसे रवीना को बचपन में आईपीएस ऑफिसर या फिर पायलट बनना था और उन्होंने कभी भी अभिनेत्री बनने की कल्पना भी नहीं की थी। रवीना टंडन के फिल्मी करियर की बात करें तो रवीना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में आई फिल्म पत्थर के फूल जैसी सुपरहिट फिल्म से की। इस फिल्म के लिए उन्हें न्यू फेस ऑफ द ईयर के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद रवीना टंडन ने 1994 में अक्षय कुमार के साथ मोहरा फिल्म की। इस फिल्म की वजह से वह काफी मशहूर अभिनेत्री बन चुकी थी और इसी फिल्म की वजह से उन्हें मस्त मस्त गर्ल भी कहा जाने लगा। इस फिल्म के बाद रवीना ने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली थी। इसके बाद रवीना टंडन अजय देवगन के साथ दिलवाले और आमिर खान और सलमान खान के साथ अंदाज अपना अपना जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी नजर आई थी। रवीना ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए, चाहे वह एक्शन, रोमांस या फिर कॉमेडी हो। उन्होंने हर तरह के किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाए। इसके बाद साल 1996 में रवीना टंडन अक्षय कुमार के साथ फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ियों में नजर आई। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। यहां तक कि अक्षय कुमार रवीना टंडन की जोड़ी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। रवीना ने इसके बाद आंटी नंबर वन, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अक्स, अखियों से गोली मारे, सैंडविच, बॉम्बे वेलवेट, शब जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन सैंडविच फिल्म के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। रवीना ने साल 2011 में एक बार फिर से फिल्मों में अपनी वापसी की, लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली और रवीना ने एक आध फिल्म ही साइन की। लेकिन अब रवीना ने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने हाल ही में कई वेब सीरीज और फिल्मों में काम किया है। उन्होंने केवल हिंदी फिल्मों में ही खुद को साबित नहीं किया, बल्कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा में भी काफी अच्छा काम किया है। रवीना ने अपने अभिनय की वजह से कई सारे अवार्ड्स को अपने नाम किया है। रवीना अभी भी फिल्मों में एक्टिव हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कई वेब सीरीज और फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, रवीना टंडन के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।